अंडर प्रोस्टेट कैंसर एक और इम्पोर्टेंस इन द स्टेरिलिटी तो बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इज दी प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी. हाइपर मतलब दो वर्ड होते हैं, हाइपो इन बायो मीन्स लेसर, हाइपर इज ग्रेटर. हाइपर इज ग्रेटर, जहां पे भी आया हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज कम जा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज ज़्यादा जा रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म. तो हाइपर इज ग्रेटर, तो ये किसके लिए है? प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट ऑफ दी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट. और देखो अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्या था. प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मतलब यूरिथ्रा सराउंडेड बाई दी प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब बढ़ेगा तो वो कंप्रेस करेगा यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन. फ्रीक्वेंट मतलब जब बार बार जाना, नाइट यूरिनेशन जिसे हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया, या फिर डिफिकल्ट इन यूरिनेशन और पेनफुल यूरिनेशन और मिक्चुरेशन. यूरिनेशन को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, तो नॉक्ट्यूरिया, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन और पेनफुल मिक्चुरेशन, ये इसके हो गए. ADAM एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स इसको एंड्रोपॉज और मेल मेनोपॉज भी बोलते हैं. वाई मेल मेनोपॉज, जैसे फीमेल्स में होता है कि मैंसेस जब स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं मिनार के, उसको एक टर्म दिया गया है. जब स्टॉप होते हैं अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. तो उसी से रिलेटेड ये बना है, मेल मेनोपॉज और एंड्रोपॉज. मींस कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि स्पेशली टेस्टोस्टेरोन के रिड्यूस होने की वजह से. क्रिप्टोर्किडिज्म इज अ कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन टू द स्क्रॉटम. स्क्रॉटम में नहीं आ पाते वो, कहीं पर कहाँ पर रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर नहीं है उसके लिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए. तो रिजल्ट क्या होगा, स्टरिलिटी. प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर इन दी प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टरिलिटी या इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी क्या होगी कि स्पर्म्स क्या होगा, इनएबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम. स्पर्म जो होगा एग को फर्टिलाइज करने के एबल नहीं होगा. तो दीज आर दी डिसऑर्डर्स ऑफ दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछना. इसमें भी ले सकते हैं हम, फीमेल्स में भी आ जाता है वो. एक इसमें इम्पोटेंस भी आता है, इम्पोटेंस की जो पैनिस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन. थर्ड इज, तो इसे भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ओविडक्ट्स, वन यूटरस, पेयर में नहीं है, एंड वन वेजाइना. एक्सटर्नल जिनाइटेलिया जिसमें मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब आते हैं जिनाइटेलिया. एंड मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, वन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, वन पेयर ऑफ ओवरीज.
one pair of ovaries, one pair of fallopian tube or the uterine tube, oviducts, one uterus and one vagina. And uterus ke bhi wall humne dekhe the, perimetrium, myometrium and endometrium, thoda sa. उसमें भी हम पार्ट्स देखेंगे, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थमस. अभी हम जब उसमें जब सेपरेटली पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब, तब उसके पार्ट्स देखेंगे. फेलोपियन ट्यूब, दीज आर दी यूटराइन वॉल, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ओवरी, यूटरस, सर्विक्स उसी का पार्ट है ये, चाहे तो हम तभी लिख सकते हैं, एंड वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड हम पार्ट देखेंगे एक ओवरी का, उसका टीएस देखते हैं, ओवरी का. सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वन यूट्रस एंड वन वेजाइना. जैसे वहां पे था कि जो सामनीफेरस ट्यूब्यूल, वॉल ऑफ द सामनीफेरस ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम, वॉल ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ जर्माइनल एपिथीलियम सेल. एंड ये जर्माइनल एपिथीलियम ये कंप्लीट पर है, ओके, हम पूरा नहीं बनाते हैं. एंड जर्माइनल एपिथीलियम के ऊपर एक लेयर होगा जिसे हम बोलते हैं विसेरल पेरिटोनियम. एंड एपिथीलियम के नीचे एक लेयर होता है, वो है ट्यूनिका एल्बुजीनिया. वहाँ पे थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग्स थे, ट्यूनिका, वेजिनालिस, एल्बुजीनिया एंड वैस्कुलोसा. यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजीनिया है सिर्फ, ये है विसेरल पेरिटोनियम जर्माइनल एपिथीलियम सेल्स. जर्माइनल एपिथीलियम सेल्स वही सेम ऐसे ही मोस्टली क्यूबॉइडल इन शेप होंगे और उन्हीं से फीमेल जर्म सेल फॉर्म होता है, जो हम बाद में देखेंगे ऊजेनेसिस में. ये है जर्माइनल एपिथीलियम, जर्माइनल एपिथीलियम एंड ट्यूनिका एल्बुजीनिया. ट्यूनिका एल्बुजीनिया एंड ट्यूनिका एल्बुजीनिया उसके अंदर जो भी जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, जैसे हमने किडनी का भी देखते हैं हम, कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट मेड्यूला, राइट. तो यहाँ पे इसमें ओवेरियन स्ट्रोमा एंड ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर ये होगा अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा.